लेखक का कहना है, काली बिल्ली सबसे अद्भुत फिर भी सबसे साधारण वर्णात्मक कहानी है। फिर भी उस पर विश्वास करने के लिए ना ही मैं अपेक्षा करता हूँ और ना ही मैं मांग करता हूँ। मैं निश्चित तौर पर पागल हो जाऊंगा यदि मैं ऐसे मामले में इसकी अपेक्षा करूँ जहाँ मेरी खुद की इंद्रियां खुद अपने साक्षियों को नकार रही हो। फिर भी मैं पागल नहीं हूँ और यकीनन मैंने सपना नहीं देखा है। मैं अपनी आत्मा का बोझ उतार दूंगा। मेरा सीधा मकसद है सरलता से, संक्षिप्तता से और बिना टिप्पणी करे केवल घरेलू घटनाओं की श्रृंखला को दुनिया के सामने रखना। इन घटनाओं ने अपने नतीजों से मुझे डराया है और सताकर बर्बाद कर दिया है। फिर भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है सिवाय दहशत के। भविष्य में शायद कोई बुद्धिजीवी मिले जो मेरे भ्रम को घटाकर आम बात बना दे। कोई बुद्धिजीवी जो मुझसे ज्यादा शांत, ज्यादा तर्कसंगत और कहीं कम उत्तेजनशील हो, जो उन परिस्थितियों को अत्यंत प्राकृतिक कारणों और नतीजों के एक साधारण अनुक्रम से कुछ ज्यादा ना समझे, जिनको मैं विस्मय पूर्वक बता रहा हूँ। कहानी की ओर जाते हुए लेखक कहते हैं, बचपन से मैं अपनी आज्ञाकारिता और इंसानियत के स्वभाव के लिए जाना जाता था। मेरे हृदय की कोमलता इतनी स्पष्ट थी कि मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं जानवरों से खास तौर पर प्रेम करता था और अपने माता पिता द्वारा कई तरह के पालतू जानवरों के साथ लिप्त रखा जाता था। इनके साथ मैं अपना ज्यादातर समय बिताता और मुझे कभी भी इतनी खुशी नहीं होती थी जितनी मुझे उनको खिलाने पिलाने और सहलाने में होती थी। यह स्वभाव की विशेषता मेरे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती गई और अपने वयस्क हो जाने पर इसे मैंने अपनी खुशी के प्रमुख सूत्रों में से एक पाया। जो लोग एक वफादार और समझदार कुत्ते के प्रति स्नेह संजोते हैं, उनको इस तरह प्राप्त होने वाले आनंद की प्रकृति और परिमाण मुझे समझाने में शायद ही दिक्कत होगी। पशु के निस्वार्थ और आत्म बलिदान देने वाले प्रेम में कुछ ऐसा है जो सीधा उस व्यक्ति के दिल तक जाता है जिसे केवल आदमी की तुच्छ दोस्ती और नाजुक वफादारी को जांचने का अक्सर मौका मिला हो। मेरी जल्दी ही विवाह हो गई थी और मैं यह जानकर बेहद खुश था कि मेरी पत्नी का स्वभाव मुझसे अलग नहीं है। घरेलू पालतू जानवरों के प्रति मेरे रुझान को देखकर उसने उन जैसे जानवरों को हासिल करने का कोई मौका नहीं गवाया जो बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं। हमारे पास चिड़िया, सुनहरी मछली, एक शानदार कुत्ता, खरगोश, एक छोटा बंदर और एक प्यारी सी बिल्ली थी। यह बिल्ली उल्लेखनीय रूप से एक बड़ी और खूबसूरत जीव थी। मेरी बिल्ली पूरी तरह से काली और आश्चर्यजनक रूप से समझदार थी। उसकी बुद्धिमत्ता की बात करते हुए मेरी पत्नी अक्सर प्राचीन प्रचलित धारणा का उल्लेख किया करती थी जिसमें सारी काली बिल्लियों को भेष बदली हुई जादूगरनियां माना जाता था। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पर कभी भी वह गंभीर थी। वैसे मैंने मामले का जिक्र केवल इसलिए किया कि ठीक अभी मुझे यह बात याद आ गई। बिल्ली का नाम था प्लूटो, मेरी पसंदीदा पालतू और साथी थी वो मेरी। मैं अकेला उसको खिलाता पिलाता था और मैं घर में जहाँ भी जाता था वह मेरे साथ रहती थी। मेरे लिए यह भी काफी मुश्किल हो जाया करता था कि मैं उसे गली मोहल्ले में अपना पीछा करने से रोक पाऊँ। इस तरह हमारी दोस्ती कई वर्षों तक टिकी रही और इस दौरान शराब पीने की बुरी लत की वजह से मेरे आम स्वभाव और आचरण ने एक बुरा मौलिक परिवर्तन महसूस किया। मैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा गुस्सैल, ज्यादा चिड़चिड़ा और ज्यादा दूसरों के प्रति असंवेदनशील हो गया। मैं अपनी पत्नी से बात करते हुए कठोर भाषा का इस्तेमाल करने लगा। बाद में मैंने उसके साथ शारीरिक बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे पालतू जानवरों ने मेरे स्वभाव में परिवर्तन महसूस किया होगा। मैं ना केवल उनकी उपेक्षा करता था बल्कि मैं उनका अनुचित इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। हालांकि मेरे पास प्लूटो के प्रति काफी कद्र अब भी बची थी जो मुझे उसके साथ वैसा दुर्व्यवहार करने से रोकती थी।
किंतु मैं निसंकोच होकर मेरे खरगोश, बंदर, यहाँ तक कि मेरे सबसे प्यारे कुत्ते के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। जब वे संयोग से मेरे रास्ते में बदल और ज्यादा बदलता मेरी बीमारी जिस कारणवश प्लूटो भी परिणाम स्वरूप शराब को इस हद तक बीमारी होने लगी थी। प्लूटो भी मेरे क्रोधी स्वभाव का असर महसूस करने लगी थी। एक रात हमेशा की तरह काफी नशे में धुत कस्बे के चक्कर लगाकर घर लौटने पर मुझे लगा कि बिल्ली मुझसे परहेज कर रही थी। जब मेरी हिंसा से उसने अपने डर में अपने दांत के नीचे मेरे हाथ पर हल्का घाव दे दिया, मैंने उसे पकड़ लिया। पिशाच सा क्रोध तुरंत मुझ पर हावी हो गया। मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। मेरी वास्तविक आत्मा तुरंत मेरे शरीर से निकल गई और मेरी आकृति के हर रेशे में से एक मदिरा द्वारा पोषित पैशाचिक द्वेष उमड़ने लगी। मैंने अपनी वेस्ट कोट की जेब से एक मुड़ने वाली चाकू निकाली, उसे खोलकर मैंने उस बेचारे पशु के गले में पकड़ा और उसकी एक आंख कोटर से काट दी। और इस धिक्कारने योग नृशंसता को लिखते हुए मुझे खुद पर शर्म और अत्यंत क्रोध आ रही है। सुबह होते ही मेरी विचार शक्ति लौटी। जब सोकर रात की गुमराही का मेरा आवेग दूर हो गया, उस अपराध के लिए जिसका मैं दोषी था, मैंने आधी दहशत आधी ग्लानी के भाव को महसूस किया, पर यह ज्यादा से ज्यादा एक कमजोर और दुविधापूर्ण अनुभूति थी और मेरी आत्मा इससे अप्रभावित रही। फिर से मैं अत्यधिक शराब के नशे में गोता लगाने लगा और जल्दी ही अपने कृत्य की सारी यादों को शराब में डुबो दिया। इस दौरान बिल्ली की हालत में धीरे धीरे सुधार आया। कोई आग की कोटर ने वास्तविकता में एक भयावह रूप रंग बना दिया था, पर वह अब बिल्कुल भी पीड़ा से ग्रसित नहीं लग रही थी। वह हमेशा की तरह घर में घूमने लगी, पर जैसा कि अपेक्षा की जा सकती है, मेरे आने पर प्लूटो अत्यधिक खौफ से मुझसे दूर भाग जाती थी। मेरी पुरानी संवेदना में इतना बचा था कि पहले उस जीव द्वारा जो कभी मुझसे इतना प्रेम करती थी, उस द्वारा मिलने वाले इस प्रत्यक्ष घृणा से मुझे बेहद दुख पहुंचता था। हालांकि इसके पीछे मैं खुद जिम्मेदार हूँ, पर इस अनुभूति ने जल्दी ही क्रोध को जगह दे दी और तब जैसे मेरी अंतिम और अटल बर्बादी के लिए हो गुमराही की भावना आई। इस भावना को दार्शनिकता से नहीं समझाया जा सकता है। फिर भी मुझे अधिक यकीन नहीं है कि मेरी आत्मा जिंदा है, जितना मुझे यकीन है कि इंसानी दिल की गुमराही सबसे प्राचीन आवेग में से एक है, अविभाज्य प्रमुख संकायों या भावनाओं में से एक, जो इंसानों के चरित्र को दिशा देता है। लेखक परिप्रश्न करते हुए कहते हैं, किसने खुद को सैकड़ों बार एक घृणित या मूर्खतापूर्ण काम करती नहीं पाया है, केवल इस वजह के लिए कि उसे वह काम नहीं करना चाहिए, कि हमारा हमारे सद्विवेक के विरुद्ध जो कानून है उसको तोड़ने के लिए एक सतत रुझान नहीं है, केवल इसलिए कि हम उसे ऐसा ही समझते हैं। मैं कह रहा हूँ, यह गुमराही की भावना मेरी आखिरी बर्बादी के लिए आई है। यह आत्मा की खुद को यंत्रणा देने की अथाह लालसा थी। अपने स्वभाव को हिंसा देना केवल गलत काम को गलत करने के लिए करना, जिसने मुझे जारी रखने और अंततः बेगुना जानवर को मेरे द्वारा पहुंचाई गई क्षति को संपूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। एक सुबह निर्ममता से मैंने छुपके से उसके गले के इर्द गिर्द एक फंदा डाला और उसे पेड़ की शाखा पर लटका दिया। उसे लटकाते वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे दिल में अत्यंत दुखदायक ग्लानि थी। मैंने उसे लटका दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि वह मुझसे प्रेम करती है और क्योंकि मुझे लगा इसने मुझे अपराध करने की कोई वजह नहीं दी थी। मैंने उसे इसलिए भी लटका दिया क्योंकि मुझे यह मालूम था कि ऐसा करके मैं एक पाप कर रहा हूँ, एक जानलेवा अपराध जो मेरी अमर आत्मा को जोखिम में डाल देगा। उस रात जिस दिन यह निर्दयी काम किया गया था, मैं आग के शोर से नींद से उठा। मेरे बिस्तर के पर्दे लपटों में थे, पूरा घर दहक रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरी पत्नी, एक नौकर और मैं खुद आग से बच निकले। विनाश पूरी तरह से हुआ था,
मेरी सारी सांसारिक संपत्ति आग ने निगल ली थी और उस समय के बाद से मैंने स्वयं को निराशा के हवाले कर दिया। मैं दुर्घटना और नृशंसता के बीच का कारण और प्रभाव के क्रम को प्रमाणित करने के प्रयास ही कमजोरी से ऊपर उठ चुका था, पर मैं तथ्यों की श्रृंखला को बता रहा हूँ और एक भी संभव कड़ी को त्रुटिपूर्ण नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आग के बाद आने वाले दिनों में मैं खंडरों में गया। सारी दीवारें सिवाय एक के गिर गई थी। यह अपवाद एक हिस्से की दीवार में मिली जो बहुत मोटी नहीं थी, जो घर के लगभग बीच में खड़ी थी और जिसके सहारे मेरे बिस्तर का सर टिका करता था। यहाँ का प्लास्टर काफी मात्रा में आग के प्रभाव से अप्रभावित था, एक तथ्य जिसकी वजह से मैंने उसका हाल ही में फैलना माना। इस दीवार के इर्द गिर्द एक घनी भीड़ एकत्रित थी और कई लोग उसकी एक खास जगह को बहुत सूक्ष्म और कौतूहलपूर्ण ध्यान के साथ गौर से देख रहे थे। शब्द जैसे विचित्र, असामान्य और अन्य ऐसी ही अभिव्यक्तियों ने मेरी उत्सुकता को जगा दिया। मैं समीप गया और सफेद सतह पर उभरी हुई नक्काशी जैसी बनी एक विशाल बिल्ली की आकृति को देखा। उभार ऐसी सटीकता से दिया गया था जो सच में चमत्कारी था। जानवर के गले के इर्द गिर्द एक रस्सी भी थी। जब मैंने पहली बार इस प्रेत छाया को देखा, मेरा आश्चर्य और डर अधिकतम था, पर काफी देर बाद मुझे राहत देने के लिए एक बात याद आई। मुझे याद आया बिल्ली घर के समीप एक बाग में लटकाई गई थी। आग का संकेत मिलने पर यह बाग तुरंत भीड़ से भर गया था, जिनमें से किसी एक के द्वारा जानवर को पेड़ से काट कर अलग कर दिया गया था और खुली खिड़की से मेरे कमरे में फेंक दिया गया था। ऐसा संभवतः मुझे नींद से जगाने के मकसद से किया गया होगा। अन्य दीवारों के गिरने से मेरी क्रूरता की शिकार बिल्ली ताजे फैले प्लास्टर के मिश्रण में दब गई थी, जिसके चूने ने शोलो और जानवर के शव से निकलने वाली अमोनिया के साथ इस चित्रकला को पूरा किया जैसा मैं देख सकता था। हालांकि उस चौंकाने वाले तथ्य के लिए जिसे मैंने अभी बताया, मैंने इस प्रकार अपने तर्क को तुरंत ही श्रेय दे दिया। यह मेरी कल्पना पर गहरी छाप छोड़ने में जरा भी असफल नहीं हुआ। कई महीनों तक मैं खुद को बिल्ली की प्रेत आत्मा से छुटकारा नहीं दिला सका और इस काल के दौरान मेरी आत्मा में आशंक भावना आई जो ग्लानी लगती थी पर थी नहीं। मैं इतना दूर चला गया कि जानवर को खोने का पछतावा करने लगा और उसकी जगह भरने के लिए उसी प्रजाति के और कुछ हद तक उसी जैसे रूप रंग वाले अन्य पालतू जानवर के लिए घृणित जगहों में भटकता हुआ अपने इर्द गिर्द खोजने लगा, जैसा मैं आदतन अक्सर करने लगा था। एक रात जब मैं एक बहुत बदनाम शराब के अड्डे में आशंक रूप से सुन्न बैठा था, मेरा ध्यान किसी काली चीज पर अचानक खिंच गया जो जिन या रम के विशाल पीपे के शीर्ष पर पड़ी थी, जो कमरे का प्रमुख सजावटी सामान था। कुछ मिनटों से मैं इस पीपे के शीर्ष भाग को लगातार देख रहा था और अब जिसने मुझे चकित कर दिया वह यह तथ्य था कि मैंने उस पर रखी चीज को एक झटके से नहीं समझा। मैं उसके समीप गया और उसे अपने हाथ से छुआ। यह एक काली बिल्ली थी, एक बहुत विशाल बिल्ली, पूरी तरह प्लूटो जितनी बड़ी। हर तरह से बिल्कुल उसके जैसी ये लगती थी, सिवाय एक पहलू के। प्लूटो के अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर एक भी सफेद बाल नहीं था, पर इस बिल्ली पर एक बड़ा अस्पष्ट सफेद धब्बा था जो लगभग छाती के पूरे हिस्से को ढकता था। मेरे उसके छूने पर वह तुरंत उठ गई और जोर से घुरघुराने लगी और मेरे हाथ के विरुद्ध खुद को रगड़ने लगी और मेरा ध्यान मिलने से वह खुश लग रही थी। तत्पश्चात यह वही जीव थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने तुरंत शराब खाने के मालिक से उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया, पर इस आदमी ने उस पर बिल्कुल दावा नहीं किया। शराब खाने के मालिक को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, उसने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। मैंने अपना सहलाना जारी रखा
और जब मैंने घर लौटने की तैयारी की, जानवर ने मेरे साथ चलने की मनोदशा जाहिर की। मैंने उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी। कभी कभी मैं आगे बढ़ते हुए झुकता और उसे थपकी देता। जब वह घर पहुंची, उसने तुरंत खुद को पालतू बना लिया और उसी समय से मेरी पत्नी को बड़ी प्रिय हो गई वो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जल्दी ही पाया कि उसके खिलाफ एक घृणा मुझ में पैदा हो रही थी। यह मेरी प्रत्याशा के बिल्कुल विपरीत था, पर ऐसा क्यों या कैसे था मुझे मालूम नहीं था। मेरे प्रति उसका प्रत्यक्ष लगाव वस्तुतः चिढ़ और खींच पैदा करता था। धीरे धीरे करके ये चिढ़ और खींच की भावना बढ़कर घृणा की कड़वाहट बन गई। मैं जीव से परहेज करने लगा। एक विशेष शर्मिंदगी का बोध और मेरे पूर्व क्रूरता के कृत्य की याद मुझे उससे शारीरिक दुर्व्यवहार करने से रोकती थी। मैंने कुछ हफ्तों तक ना उसे मारा और ना ही कोई अन्यथा हिंसात्मक बुरा बर्ताव किया, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मैं उसे अकथनीय घृणा से देखने लगा और चुपके से उसकी अप्रिय मौजूदगी से भागने लगा, जैसे कि वो कोई महामारी की आहट सी हो। निस्संदेह इसे घर लाने की अगली सुबह इस खोज ने पशु के प्रति मेरी घृणा को और ज्यादा बढ़ा दिया कि प्लूटो की तरह यह भी अपनी एक आंख से वंचित थी। हालांकि इस दशा ने उसे केवल मेरी पत्नी का प्रिय बना दिया था, जो जैसा मैंने पहले ही बताया, काफी ज्यादा मात्रा में इंसानियत की भावना को रखती थी, जो एक समय मेरी पहचान बनाने वाली विशेषता और मेरी सबसे साधारण और सबसे पवित्र खुशी का स्रोत हुआ करती थी। फिर भी बिल्ली के प्रति मेरी घृणा से बिल्ली का मेरे प्रति रुझान बढ़ गया लगता था। वह मेरे कदमों का पीछे ऐसे दृढ़ता से करती थी जैसा पाठकों को समझा पाना मुश्किल है। जहाँ भी मैं बैठता था, वह मेरी कुर्सी के नीचे दुबक कर बैठ जाती थी या मेरे घुटनों पर कूद कर चढ़ जाती थी और मुझे अपने घृणा कारक प्रेम स्पर्श से ढक लेती थी। अगर मैं चलने के लिए उठता था तो वह मेरे पैरों के बीच आ जाती थी और इस तरह लगभग मुझे नीचे गिरा देती थी या अपने लंबे और नुकीले पंजों को मेरे कपड़ों में गड़ा कर इस तरह मुश्किल से चढ़ती कि वह मेरी छाती तक आ जाती थी। ऐसे अवसरों पर मेरी उसे एक प्रहार से मार डालने की इच्छा होती थी, फिर भी मैं ऐसा करने से खुद को रोक लेता था, आंशिक रूप से मेरे पूर्व अपराध की याद से, पर मुख्यतः मुझे इसे तुरंत मान लेना चाहिए पशु के प्रति असीम भय की वजह से। यह भय पूरी तरह भौतिक बुराई का डर नहीं था, और फिर भी मैं उलझन में हूँ कि मैं इसे किसी और तरह कैसे परिभाषित करूँ। मैं स्वीकार करके लगभग शर्मिंदा हूँ। हाँ, इस अपराधियों के कैद खाने में भी मैं स्वीकार करके लगभग शर्मिंदा हूँ कि जो डर और दहशत यह जीव मुझ में डालता था केवल विशुद्ध कल्पना से बढ़ जाया करता था, जिसकी कल्पना संभव होती थी। मेरी पत्नी ने एक से ज्यादा बार सफेद बाल के चिन्ह की तरफ, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ और जो उस विचित्र जानवर और उस एक जीव जिसको मैंने मार डाला था, उसके बीच दिखने वाला एकमात्र अंतर था, मेरा ध्यान आकर्षित किया। आप सभी को याद होगा कि यह निशान हालांकि काफी बड़ा था, शुरू शुरू में बहुत अस्पष्ट था, पर धीरे धीरे लगभग अतीन्द्रिय मात्रा में और जिसे लंबे समय तक मेरा तर्क काल्पनीय मानने के लिए जूझता रहा था, इसने पूर्ण रूप से एक रूपरेखा के स्पष्ट अंतर को पा लिया था। यह अब उस चीज का चित्रण था जिसका नाम लेने में मैं कांप जाता हूँ, और मैं इससे सबसे ज्यादा घृणा करता और डरता था, और मैं खुद को हैवान से छुटकारा दिला लेता अगर मुझ में हिम्मत होती। मैं अब यह कह रहा हूँ कि वह डरावनी भयंकर चीज फांसी की छवि थी। उस दहशत और अपराध के दुखपूर्ण और भयानक तरीके और यातना और मौत की छवि थी, और अब मैं सच में इंसानियत के दुख से भी ज्यादा दुखी था, और एक भाव शून्य पशु जिसके साथी को मैंने घृणित तरीके से मार डाला था, एक भाव शून्य पशु मेरे लिए काम करता था, मुझ जैसे इंसान के लिए जिसे महान ईश्वर की छवि का रूप दिया गया है, इतना असहनीय दुख है। हाय, न दिन में न रात में मुझे आराम का सुख अनुभव होता था,
पहले दिन के दौरान जानवर मुझे एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ता था और बाद में रात में मैं हर घंटे अकथनीय डरावने सपनों में जागता और उस चीज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर और उसका विशाल भार साक्षात बुरे ख्वाब की तरह जिससे पीछे छुड़ाने की मुझमें बिल्कुल ताकत नहीं थी हमेशा अपने हृदय पर पड़ा पाता था। इस तरह की यंत्रणा के दबाव के नीचे मेरे अंदर अच्छाई का कमजोर आवेश भी मर गया था। बुरे विचार मेरे एकमात्र करीबी रह गए थे। सबसे अंधकारमय और सबसे बुरे विचार, मेरा आम मनोदशा का चिड़चिड़ापन बढ़ गया। सारी चीजों और सारी मानव जाति के प्रति घृणा बन गया। जिस दौरान भूख के अचानक नियमित और बेकाबू प्रक्षोभ, जिसके आगे मैंने अंधेपन में अब खुद को त्याग दिया था, मेरी संतोषी पत्नी हाय सबसे आम और सबसे धैर्यवान शिकार थी। एक दिन किसी घरेलू काम से वह मेरे साथ साथ पुरानी इमारत के तहखाने में गई, जिसमें हमारी गरीबी ने हमें रहने पर मजबूर कर दिया था। बिल्ली मेरे पीछे दुराह रो सीढ़ियों के नीचे चली आई और लगभग मुझे सिर के बल गिराते हुए मुझे उत्तेजित करके आपे से बाहर कर दिया। एक कुल्हाड़ी उठाते हुए और अपने गुस्से में अपने बचकाने डर को भूलते हुए जो अब तक मेरे हाथों में बरकरार था, मैंने जानवर पर प्रहार करने की कोशिश की, जो निश्चित तौर पर तुरंत जानलेवा साबित होता अगर वह ऐसे पड़ता जैसा मेरा अरमान था। पर यह प्रहार मेरी पत्नी के हाथ द्वारा रोक लिया गया। विघ्न से राक्षसी रोष से भी ज्यादा भड़क कर मैंने अपनी बाह को उसकी पकड़ से छुड़ाया और कुल्हाड़ी को उसके दिमाग में गाड़ दिया। वह बिना आह के तुरंत उसी जगह गिरकर मर गई। इस विभस्त हत्या के होने पर मैंने स्वयं ही और पूरे निश्चय से तुरंत लाश को छिपाने का काम ले लिया। मुझे मालूम था कि बिना पड़ोसियों द्वारा देखे जाने का जोखिम उठाए मैं उसे घर से नहीं दिन और ना ही रात को हटा सकता हूँ। कई योजनाएं मेरे दिमाग में आई। एक समय मैंने सोचा लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं और उन्हें आग से नष्ट कर दूं। दूसरे में मैंने उसके लिए तहखाने की फर्श में उसके लिए कब्र खोदने का निश्चय करा। लेकिन फिर मैंने उसे आंगन के कुएं में डालने, उसे व्यापारिक माल की तरह साधारण प्रबंध से एक बक्से में डालने और इस तरह कूली द्वारा मकान से ले जाने के बारे में विचार किया। अंत में मैंने वह सोचा जो मुझे इन सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगा। मैंने निश्चय किया कि मैं उसे तहखाने की दीवार में चीन दूं, जैसा मध्यकालीन भिक्षु अपने शिकारों के साथ करते दर्ज किए गए हैं। इस तरह मकसद के लिए यह तहखाना पूरी तरह से उपयुक्त था। इसकी दीवारें लापरवाही से बनी थी और हाल ही में पूरी तरह उबड़ खाबड़ प्लास्टर किया गया था, जिसे वातावरण की नमी ने सख्त होने से रोक लिया था। इसके अलावा एक दीवार में फर्जी चिमनी या भट्टी की वजह से एक भाग उठा हुआ था, जिसे भर दिया गया था और तहखाने के लाल रंग से मिलता जुलता बना दिया गया था। मुझे कोई संदेह नहीं था कि मैं आसानी से इस जगह से ईंटों को हटाकर लाश डालकर दीवार को पहले जैसा पूरा कर सकता हूँ, जिससे कि किसी की भी नजर इस पर ना पड़े। और इस अंदाजे में मैंने धोखा नहीं खाया था। एक लोहे की छड़ से मैंने आसानी से ईंटों को हटा दिया और सावधानी से लाश को अंदूर में दीवार पर डालकर मैंने उसे उस स्थान पर टिका दिया। जब तक कि थोड़ी मुश्किल मैंने पूरे निर्माण को वैसा नहीं लगा दिया जैसा वह शुरू शुरू में था। मसाला, बालू और उसी तरह की चीजों को हर संभव सावधानी से लाकर मैंने प्लास्टर तैयार किया, जिसका पुराने प्लास्टर से अंतर नहीं किया जा सकता था। और इसके साथ मैंने बहुत सावधानी से नई ईंटों के निर्माण की जांच की। जब मैंने काम पूरा कर लिया, मैं संतुष्ट महसूस कर रहा था कि सब कुछ ठीक था। दीवार छेड़े जाने का हल्का सा भी आभास नहीं दे रही थी। फर्श पर कचरा अति सूक्ष्म सावधानी से उठा लिया गया। मैंने इर्द गिर्द जीत की खुशी के साथ देखा और स्वयं से कहा, तो यहाँ कम से कम मेरा श्रम व्यर्थ में नहीं गया है। मेरा अगला कदम पशु की तलाश करना था, जो इतने ज्यादा दुख की वजह थी। अंततः मैंने दृढ़ निश्चय कर दिया था कि उसे मैं मार दूंगा। अगर मेरा उससे उस क्षण सामना हुआ होता
तो उसके अंजाम के बारे में कोई भी संदेह नहीं था, पर ऐसा लगता था कि वह चालाक जानवर मेरे पूर्व क्रोध से की गई हिंसा से सतर्क हो गई थी और उसने खुद को मेरे वर्तमान मनोदशा में मेरे सामने आने से रोक लिया था, जो सुखद रात की भावना उस घृणित जीव की अनुपस्थिति से मेरे हृदय में पैदा हुई, बताना या कल्पना करना असंभव है। वह रात के दौरान दिखी नहीं और मैं अच्छी तरह और शांति से सो सका। हाँ, अपनी आत्मा पर हत्या के बोझ के साथ भी मैं सो सका। दूसरा और तीसरा दिन गसर गया और फिर भी मेरी उत्पीड़क नहीं लौटी। एक बार फिर मैं आजाद आदमी की तरह सांसें ले रहा था। दहशत में विरूप जीव हमेशा के लिए घर से भाग गई थी। मुझे और तलाश नहीं करनी चाहिए। मेरी खुशी परम थी। मेरे काले काम के अपराध बोध ने मुझे थोड़ा ही परेशान किया था। कुछ पूछताछ जरूर हुई थी, पर इनका मैंने आसानी से जवाब दे दिया। यहाँ तक कि एक खोज भी शुरू की गई, पर बेशक कुछ भी नहीं पाया गया। मैंने अपने भविष्य की खुशी को सुरक्षित माना। हत्या के चौथे दिन पुलिस का एक दोस्त बहुत अकस्मात घर में आया और फिर से घर की कड़ी जांच करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि मेरी छिपाने की जगह के खोजे जाने की असंभवता से निश्चिंत होकर मुझे किसी भी तरह की घबराहट नहीं हुई थी। अफसरों ने मुझे उनकी खोज में साथ रहने के लिए कहा। उन्होंने किसी भी कोने या गुप्त स्थान को जांच के बगैर नहीं छोड़ा। अंततः वे तीसरी या चौथी बार तहखाने में उतरे। मेरी मांसपेशी में हल्की सी भी कपकपी नहीं हुई। मेरा हृदय उतनी शांति से धड़क रहा था जैसे जब कोई भोलेपन से सोता हो। मैं तहखाने के शुरू से अंत तक गया। मैंने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ रखा था और आसानी से इधर उधर घूम रहा था। पुलिस पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी और जाने के लिए तैयार थी। मेरे हृदय की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। जीत के माध्यम से और अपनी निर्दोषता के लिए उनके विश्वास को दोगुना मजबूत करने के लिए मैं केवल एक शब्द कहने की इच्छा कर रहा था। मैं आपके शक को शांत करके खुश हूँ। मैं आप सबके लिए सेहत और थोड़ी ज्यादा कृपा की कामना करता हूँ। वैसे सज्जनों, यह एक बहुत अच्छे से बना मकान है। कुछ भी आसानी से बोलने की इच्छा में मुझे शायद ही मालूम था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि यह उत्तम रूप से अच्छे से बना मकान है। ये दीवारें आप देख रहे हैं सज्जनों, ये दीवारें ठोस ढंग से एक साथ लगी हुई है और यहाँ केवल बहादुरी के उन्माद से मैंने एक छड़ी से कसकर ठक ठकाया, जिसे मैंने अपने हाथ में लिया था। ठीक उसी ईंटों के निर्माण पर जिसके पीछे मेरी प्रिय पत्नी की लाश स्थित थी। मैंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करे। जैसे ही मेरे वारों की गूंज चुप्पी में डूब गई, कब्र के भीतर से एक आवाज ने मुझे जवाब दिया। एक चीख जो पहले एक बच्चे के सुबकने की तरह दबी हुई और टूटी हुई आई और फिर जल्दी ही बढ़कर आधी दहशत और आधी जीत की एक लंबी ऊंची और लगातार चीख में, एक चित्कार में, एक शोकपूर्ण चिल्लाहट में बदल गई, जैसे कि वह नरक से उनके कंठों से जिनको उनकी यातना में बांध दिया है और जो नरक दंड से प्रसन्न होते हैं। एक स्वर में खुद के विचारों के बारे में बोलना मूर्खता होगी। चकराकर मैं सामने दीवार की ओर लड़खड़ाया। एक क्षण के लिए सीढ़ियों पर पुलिस का दस्ता दहशत और विस्मय की पराकाष्ठा स्थिर खड़ा रहा। अगले ही क्षण दर्जन भर मजबूत बाह्य दीवार पर कठोर श्रम कर रही थी। यह दीवार कस कर गिरी। लाश पहले ही बुरी तरह से सड़ी हुई थी और जमे हुए खून के थक्के के साथ देखने वालों की आंखों के सामने खड़ी थी। उसके सर पर लाल फैले हुए मुंह के साथ धधकती अकेली आंख के साथ डरावनी पशु भी बैठी थी, जिसकी चालाकी ने मुझे हत्या करने के लिए बहका दिया था और जिसकी खबर देने वाली आवाज ने मुझे जल्लाद के हवाले कर दिया और मैंने विरूप जीव को कब्र के भीतर ही दफना दिया था। पुलिस और उनके हवलदारों ने मुझे घेर कर मुझसे कहा, काफी समय तक नाटक का भान करके तुम बचे थे, लेकिन अब नहीं और फांसी की सजा से कातिल को कोई बचा नहीं पाएगा। पुलिस की धमकी के बाद मैं बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि फांसी जैसा अपराध मैंने अपनी सबसे प्यारी बिल्ली
प्लूटो के साथ किया था और आज उन्हीं अपराधों की सजा मुझे दी जाएगी। हवलदारों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, वो मुझे अपने साथ ले जाने लगे और पीछे मैंने उसी बिल्ली की स्वर सुनी जो पूरे रूप से खुशी और जश्न का ऐलान कर रही थी। जो पाप और हिंसा प्लूटो के विरुद्ध बेवजह मैंने किया था, वही हिंसा आज मुझ पर भी की जाएगी, लेकिन इस बार ये कानूनी तौर पर होगी।